हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक है केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। तो आजकल बड़ा ही चर्चा में है ये टॉपिक, जब से एम्स नॉर्सेट का पैटर्न चेंज हुआ है और एक दो और एग्जाम्स ने ये क्वेश्चंस इस तरह के इंक्लूड किए हैं। तो बच्चों में बहुत ज़्यादा सवाल है, क्या हमें अपना स्टडी पैटर्न चेंज कर देना चाहिए, क्या हमें सिर्फ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए, तो कैसे पढ़ा जाए और कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाए, आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते क्या है केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से। तो केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को इंटीग्रेट करते हैं आपकी नॉलेज के साथ। तो सब कुछ है आपके ब्रेन में, आप सब पढ़ चुके हैं, एवरीथिंग इज रजिस्टर्ड इन योर ब्रेन। बस हमें एक कोरिलेशन फाइंड आउट करनी है, जो क्वेश्चन आया है और जो हमें पता है उन दोनों को लाके मिलाना है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो केस बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चन से डरना नहीं है। अगर हम फैक्ट देखें तो ये क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल हैं जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। क्यों? रटे हुए होते हैं। अब पूछा जाए वर्ल्ड रेबीज डे कैसे होता है, कौन से दिन पे होता है, या तो हमें पता है या हमें नहीं पता, इसमें तुक्के का भी चांस नहीं है। बट केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस वी कैन सॉल्व यूजिंग आर एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो हमारी नॉलेज है उन सबको यूज करते हुए, इमरजेंसी वर्ड्स में काम किया है उन सबको यूज करते हुए हम केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले कोई भी केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है उसे कंप्लीट रीड करना है। वी शुड रीड इट आउट अलाउड, अपने मन में उसे तेज तेज की पढ़ना है, है ना? और पढ़ते पढ़ते अपने मन में एक सिनेरियो बना लेना है। जैसे अब क्वेश्चन आया है कि एक 5 साल का बच्चा है, साथ साथ इमेजिन करना है हमें, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, बाइसाइकिल से गिर गया है, उसके सर में चोट आई है। हमने इमेजिन कर लिया एक बच्चा आ रहा है, सर में चोट आई है, खून बह रहा है और उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, इतना इमेजिन हमने कर लिया। अब बताइए क्या साइन इंडिकेट करेंगे कि उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है। अब सब कुछ हमें पता है, हमें पता है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या साइंस होते हैं। सिम्टम्स होते हैं सर दर्द होना, उल्टियाँ आना, उल्टी जैसी फीलिंग लगना, थोड़े बहुत चक्कर आना। और अगर हम साइंस देखेंगे तो क्या होता है, हार्ट रेट कम हो जाना, रेस्पिरेशन इरेगुलर हो जाना, बीपी बढ़ जाना। तो ये हो गए उसके साइंस। अब हमें सिम्टम्स भी पता है, साइंस भी पता है, आते हैं अपने ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन था क्या उसका एंटीरियर फोंटेनेल बल्जिंग होगा। अब बच्चे की उम्र पे ध्यान दीजिए, 5 साल का बच्चा है, तो क्या 5 साल के बच्चे में एंटीरियर फोंटेनेल अभी तक खुला होगा? नहीं, सही सही ऑप्शन एकदम कट हो गया। सेकेंड ऑप्शन था कि रात के 10 बज रहे हैं और बच्चे को थोड़ी नींद सी आ रही है, तो क्या ये होगा? हो सकता है क्या रात में नींद आती है बच्चे को नॉर्मली? ना तो वो बोल रहा मुझे चक्कर आ रहे, ना वो बोल रहा मेरा सर दर्द हो रहा, ये ऑप्शन भी कट गया। तीसरा ऑप्शन है कि वो लगातार वॉमिटिंग कर रहा है। यस, दिस इज अ साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी इन द चाइल्ड। तो हम कंफ्यूज थे एंटीरियर फोंटेनेल से, क्योंकि हमें पता है ये भी इंडिकेट करता है, बट जैसे ही हमने उम्र देखी तो हमारे दिमाग में था, मैम ने बताया कि एंटीरियर फोंटेनेल क्लोज हो जाता है 9 से 18 महीने पे, तो वो ऑप्शन हमने काट दिया, हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ गया। तो इसी तरह हमें केस बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, चारों ऑप्शंस देखने हैं, चारों में से 2 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही आंसर नहीं हो सकता, और 2 ऑप्शंस ऐसे होंगे जिनमें हमें हल्का हल्का कन्फ्यूजन है, शायद ये भी हो सकता है और शायद ये भी हो सकता है। फिर हम दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे, अपने आप को उस सिचुएशन में प्लेस करेंगे, और हम ये सिचुएशन में आ चुके हैं अगर हम काम किए हैं वर्ड्स में, तो उसी के अकॉर्डिंग जो क्लोजेस्ट आंसर होगा जो आप उस सिचुएशन में करेंगे उसे आप मार्क कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि घबराना नहीं है। जैसे ही बच्चे देखते हैं केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन लंबा होता है, 5-6 लाइनों का होता है, वहीं पे उन्हें लगता है भैया ये तो हमसे नहीं होगा। और मैंने जितने भी केस बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चंस देखे हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, मतलब उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चंस हैं,
और जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है ना, मुझे तो उससे भी ज्यादा इजी लगे, क्योंकि उसमें तो मैंने कुछ कुछ रटा हुआ है कि हेपेटाइटिस बी कब देते हैं, या तो मुझे पता है या मुझे नहीं पता, रेबीज की कितनी डोजेज हैं, या तो मुझे पता है या मुझे नहीं पता। बट केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में दो ऑप्शंस तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही क्वेश्चन में आंसर के क्लोज भी नहीं है, और दो में से हम सॉल्व करेंगे ये देख के, इंटीग्रेट करके अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो हमने एनाटमी पढ़ी है, मेडिसिन पढ़ी है, पीडिया पढ़ी है, फंडामेंटल पढ़े हैं, गायनी पढ़ी है, सबको इंटीग्रेट करेंगे, सब नॉलेज को एक साथ लाएंगे और सोचेंगे मैं इस सिचुएशन में होता तो क्या करता। जैसे अब चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक्सीडेंट का केस है, एमरजेंसी में आपके पास आया है, पेशेंट्स उसे लेकर आए हैं गोदी में उठाकर, तो बताइए आप सबसे पहले क्या करेंगे। तो अब सबसे पहले क्या आप आईवी लाइन लगाएंगे और उसे फ्लूइड्स चालू करेंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, क्या आप उसके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भेजेंगे, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, क्या आप उसे एंटीबायोटिक्स देंगे। चौथा ऑप्शन, स्टेबलाइज स्पाइन। तो अब ये मैंने पढ़ा हुआ है, कुछ नहीं है, इतना 10 लाइनों का क्वेश्चन दिया हुआ है, बट मुझे पता है इमरजेंसी में कोई भी एक्सीडेंट का पेशेंट आ रहा है, तो मेरा फर्स्ट क्या करना है मुझे, आई हैव टू स्टेबलाइज द स्पाइनल कॉर्ड। तो हम लंबा क्वेश्चन देख के घबरा गए, आंसर एकदम सिंपल था, मैंने किया हुआ भी है इमरजेंसी में और मैंने पढ़ा हुआ भी है कि कुछ नहीं करना, मुझे स्पाइन स्टेबलाइज करनी है। तो अपनी क्लासेस में हम हर टॉपिक के साथ ये केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करते रहेंगे, पर साथ साथ जब आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो रटिए मत, उस चीज को रट्टा मत मारिए। जैसे रिसेंटली अगर हमने न्यूनेटल रिसक्सिटेशन पढ़ा है, तो रट्टा मत मारिए, साथ साथ इमेजिन करते जाइए कि एक बच्चा डिलीवर होने वाला है, आपको इमरजेंसी में बुलाया गया है, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा। तो जैसे मैम ने बताया था, जैसे हमने पढ़ा था, जब मैं रिसीव करने जा रहा हूँ बेबी को, तो मैं जल्दी से प्रिपरेशन करूँगा, रेडिएंट वार्मर ऑन करूँगा, शीट्स लेके आऊँगा, प्री वार्म शीट्स रखूँगा, इन्हीं में से ऑप्शन होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट अगर केस सिनेरियो पूछे, बच्चा पैदा हो गया, ये हो गया, इनिशियल स्टेप्स कर लिए, हार्ट रेट लेस देन 100 है, तो क्या करेंगे, हमें पता है पॉजिटिव प्रेशर, वेंटिलेशन देंगे, हमने सब पढ़ा हुआ है। तो अब क्योंकि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि इनसे हमारी नॉलेज इंटीग्रेट होती है और फ्यूचर में ये हमें हेल्प करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, अल्टीमेटली हमें उन्हीं केस सिनेरियो, हमें प्रैक्टिकल सिनेरियो सिचुएशंस में काम करना है। तो घबराना नहीं, अपना जब भी पढ़ रहे हैं हर चीज़ को ऐसे पढ़िए कि अगर ये सिचुएशन आई तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सिचुएशन आई तो मैं क्या कर रही हूँ। वार्ड में अगर पेशेंट ऐसा मिला है मुझे, कोई पेशेंट है उसे कन्वल्जन्स आ रहे हैं वार्ड में, तो आपका सबसे पहला एक्शन क्या होगा। तो मेरा सबसे पहला एक्शन होगा कि मैं उसे लेफ्ट लेटरल पोजिशन में करूँगा, सिंपल। क्या आप उसे सॉक्स सुंघाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में करूंगा, एयरवे मेंटेन करूंगा और उसे एक एंटी एपिलेप्टिक दूंगा स्टार्ट। तो हमें सब आता है, तो पढ़ते समय याद रखिए, अपने दिमाग में उस सिनेरियो को लाइए और उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करिए। तो यही है सिंपल अप्रोच केस बेस्ड सिनेरियो की, कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो आपके दिमाग में ऑलरेडी है, उसे साथ साथ इमेजिन करते रहिए कि ऐसा पेशेंट आएगा तो मैं सबसे पहले ये कर रहा हूँ, तो पढ़ना भी इजी हो जाएगा, लर्न करना भी इजी हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करना भी इजी हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ हमें रटनी नहीं पड़ेगी। तो अब लंबे लंबे 6-8 लाइनों के क्वेश्चन से डरिए मत, क्योंकि एंड में आंसर एकदम सिंपल होता है। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम में छोड़ देते हैं क्वेश्चन, भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है मुझे आएगा नहीं, और फिर जो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है उस पर सोचते रहेंगे ऐसे कि अच्छा वर्ल्ड हेल्थ डे कब आता है, क्यों दिमाग लगा रहे हैं, या तो आपको आता है या आपको नहीं आता है। तो सिंपल बात है, आता है या नहीं आता, तो दिमाग लगाइए केस बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चन पे, क्योंकि ये हमें आता है। तो लंबा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, और प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ सारे केस बेस्ड सिनेरियो टॉपिक्स, हर में से हम आपको क्वेश्चंस देंगे, सबको अच्छे अच्छे से हम सॉल्व करेंगे,
प्लस आप भी प्रैक्टिकली अपनी नॉलेज को अप्लाई करेंगे। तो आगे से पेपर आए तो फैक्चुअल क्वेश्चन की तरफ अट्रैक्ट ना होते हुए सबसे पहले केस बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चंस की तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। हमें पढ़ना है पूरा क्वेश्चन, इमेजिन करना है और आंसर करना है। तो आई होप इस मेरी वीडियो के बाद आप सब केस बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चन से डरेंगे नहीं और अच्छे से एग्जाम में आई थिंक सबसे पहले वही पढ़ेंगे केस बेस्ड सिनेरियो, क्योंकि आंसर्स है बहुत सिंपल। क्वेश्चन है 10 लाइन का, आंसर है 2 सेकंड का। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग माई मोर वीडियोज़।